एक्सक्यूज मी अंकल, वो बी 25 कहाँ पड़ेगा आप बता सकते हैं? बी 25? हाँ। आगे जाओगे ना उल्टे हाथ में हो जाना। अच्छा, वो पहली गली में आखिरी वाला मकान है। अच्छा ठीक है, थैंक यू। एक मिनट, रुको, इधर। ये क्या बदतमीजी है, हाथ कैसे लगाया तुमने मेरे को? अरे ये हाथ दूर रखो अपने गंदे संदे। नहीं, बदतमीज इंसान हो यार तुम। काम करने वाले हाथ ना गंदे कहाँ से हो गए? ये गंदे हाथ तुम ये काम कर रहे हो, धूल मिट्टी हाथ मेरे ऊपर लगा रहे हो मजदूर। मैं साफ कर लेता हूँ, कोई बात नहीं। पर एक मिनट आप इधर आओ, कोने में बात करनी है कुछ। कोने में बात की? क्या बदतमीजी है तुम्हारी, है क्या बोल रहे हो? तुम्हारा दिमाग सही तो है ना? अरे मेरा तो दिमाग ठीक है, मैं तो अपना काम ही कर रहा था वहाँ पर। हाँ तो काम करो तो काम करो ना, इधर आके मेरे को टच क्यों कर रहे हो? अरे टच करने की बात नहीं है आपने। नहीं क्या बात है फिर, है एकदम एड्रेस पूछ ले तो आके टच कर रहे हो, अपना काम में काम नहीं। एड्रेस तो ठीक है, वो एड्रेस के अंदर गड़बड़ नहीं? हाँ तो एड्रेस में गड़बड़ नहीं है तो फिर क्यों आ रहे हो? नहीं गड़बड़ किसी और चीज में है, वो बताने के लिए आ रहा हूँ मैं तो। क्या चीज में क्या गड़बड़ है, क्या बता रहे हो बताओ यही। अरे मैं अब कैसे ऐसे बता दूं सामने, ये क्या लोग निकल रहे हैं क्या सोचेंगे वो? सही बता, सही कह रहे हो, लोग क्या सोचेंगे कि मैं कैसे उसे बात कर रही हूँ सच में? नहीं नहीं आप एक मिनट के लिए इधर आओ। ये क्यों आऊं मैं इधर ही, तुम दिमाग तो ठीक है ना? एक तो तुम ऐसे टच कर रहे हो, अपना गंदे संदे हाथों से मुझे छू रहे हो। छी यार मैं। अरे मैडम मजदूर के हाथ हैं, गंदे नहीं होते। ये मजदूर के हाथ है तो गंदे ही है यार, ये क्या कैसी बातें कर रहे हो? यही मजदूरी वाले हाथ होते हैं, इसलिए रोटी खाते हो। देखो मैं तुम्हारे साथ, ये इन्हीं हाथों की मेहनत की रोटी खाते हो? मैं नहीं खाती ठीक है, मैं अपना ढंग से काम करती हूँ और मेरी पर्सनैलिटी को अपनी पर्सनैलिटी से मैच करने की कोई जरूरत नहीं है। हो गया कोई बात नहीं, पर एक मैंने आपको कुछ जरूरी बात बतानी है जी। क्या बात बताने? मुझे आपसे ऐसे कोई बात नहीं करनी ठीक है, जो बात है यही बोलो जल्दी, मेरे को मेरा टाइम वेस्ट मत करो। अरे मैं ऐसे कैसे सबके सामने बोल दूं, अच्छा लगता है ऐसे कोई निकल रहा होगा क्या सोचेगा वो? ये नहीं, ये क्या मतलब है सबके सामने बोल दूं? ऐसी कौन सी बात है तुम्हारी, है ऐसी कौन सी बात है जो तुम सबके सामने नहीं बोल सकते? एक तो मैंने आप सही लग रहे थे, काम कर रहे थे, मैंने आपसे बस एड्रेस पूछा, उसका चीज का गलत फायदा मत उठाओ समझे। मैं संग आंदी है, मैं दस नहीं सकता, मतलब मेरे को शर्म आती है, मैं नहीं बता सकता ना, आप मेरी बात को समझो, मेरी मजबूरी को जानो। ये जो तुम्हारा बोलने का टोन है ना कि तुम्हें शर्म आ रही है, तुम ये क्या बात है, सारी बात समझ रही तुम्हारी है, तुम दिन दहाड़े ऐसे छेड़ रहे हो किसी भी लड़की को। आप मुझे गलत समझ रहे हो मैडम। ये क्या गलत समझ रही हूँ मैं एकदम सही समझ रही हूँ ठीक है, कोई भी आके तुम ऐसी तुम किसी से बात करोगे सारी यही समझेंगे। एक तो मैं काम कर रहा हूँ ना, काम करो, मेरा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। मैं तो अपना काम इज्जत से करता हूँ जी, मैं भी आपसे इज्जत से ही पेश आ रहा हूँ, आप उल्टी बात ले रहे हो जी। जस्ट ये तुमने आके मुझे बिना पूछे मेरे से मेरे को टच करा अपने गंदे संदे हाथों से, और वो आपको रोकने के लिए किया मैंने, मेरे को कोई ऐसे में शौक नहीं है। आवाज से भी रोक सकते थे, टच करना ना तुम्हारा बस बहाना था ठीक है। नहीं 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 वाहिगुरु माफ करे, मैं ऐसी चीजें नहीं करता जी, ना हम ऐसे सोचते हैं, हमारे पास तो टाइम ही नहीं होता काम से, वेल ही नहीं मिलती। हाँ टाइम नहीं होता, लेकिन जब लड़की दिख जाए तो हमारे पास टाइम ही टाइम है, लड़की का भी वेस्ट कराने के लिए, खुद का भी वेस्ट करने के लिए। अरे नहीं नहीं आप मेरी बेटी जैसी हो जी, ऐसी कोई बात नहीं है जी। हाँ तो बेटी जैसी तो क्यों मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो, जाके अपना काम करो ना। देखो मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, मैं जा रही हूँ। अगर ये सब लोगों के सामने आ गया तो फिर आपकी बेइज्जती हो जानी है, देखो मेरा कुछ नहीं है इसमें। क्या लोगों के सामने आएगा, क्या लोगों के सामने आएगा है? ये जो तुम कह रहे हो तुम्हें शर्म आती है बोलने में, ये लोगों के सामने आएगा ना मैं लाऊंगी, अभी लोगों को पब्लिक को इकट्ठा करके वो तुम्हें ही मारेगी, और जो तुम्हारे बच्चों का काम है ना दिन दिहाड़ी जो तुम ये कर रहे हो कुछ भी नहीं कमा पाओगे, फिर घर ऐसी सड़क पे भीख मांगना। ऐसे मत करना, ऐसे मत करना, मैं बड़ी मुश्किल से दिहाड़ी पे लगाऊंगी। हाँ तो वही कह रही हूँ, अगर तुम्हें लोगों को बुला लिया ना कुछ काम करने के लायक नहीं बचोगे। नहीं 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 मैडम मेरी बात सुनो, आपकी ना अब आपकी टी शर्ट फटी हुई है पीछे से। टी शर्ट फटी हुई है? हाँ। क्या बकवास कर रहे हो, मैं कैसे मान लूं मैं सही आई हूँ? आप मेरी बात को मानो, कहीं शीशा शूशा है ना, आप वो गाड़ी में देख लो जी, मैं फिर हाथ लगा दूंगा, फिर आप बोलोगे हाथ लगा रहा है। हाँ। अब देख लो टी शर्ट तो फटी, आपको देख के निकलना चाहिए था ना घर से, आप ऐसे ही आ गए। सॉरी वो तो मैं तो यार सही होकर आई थी, टी शर्ट कैसे फट गई मेरी? नहीं ना ये फिर जमाना खराब है बड़ा, आपको पता है, देखो हमारे घर में माँ है, बहन है, बेटी है, सब कुछ है। हाँ। हम भी नारी की इज्जत करना जानते हैं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ ये एक मिनट आप रुको, आप ऐसे मत जाओ। क्या कर रहे हैं आप, ऐसा ना जाओ तुसी, मैं एक मिनट रुको, एक मिनट एक मिनट, आप ना ये रख लो जी, आप कुर्ता दे रहे अपना। हाँ हाँ कोई बात नहीं, मेरे कुर्ते की कोई बात नहीं है, आप अपने आप को ना ढक लो जी, आप हमारे बच्चे जैसे हो जी। देखो मैं अपना हाथ दूर ही रख रहा हूँ, कोई बात नहीं,
आप उसको अपने अच्छे से ढक लो। नहीं नहीं, मैंने आपको इतना बुरा भला बोला, आपको नीचा दिखाया और आपने मेरी मदद करी। ना ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच एंड सो सॉरी। जमाना खराब है जी, थोड़ा देख के निकला करो घर से भी। तरह तरह के लोग हैं घूम रहे हैं जमाने में। ठीक है, थैंक यू। अच्छा सुनिए, मैं आपसे एक बात कहूँ। वैसे फटी हुई नहीं थी, मैंने ही फाड़ी थी। तो फटी हुई है जी, मैं तो देख रहा हूँ जी, आप ऐसे मत जाना सामने। हाँ, मैं समझ गई कि फटी हुई है, लेकिन ये मैंने खुद फाड़ी है जानबूझ के। वो खुद फाड़ी है? हाँ, कि एक्चुअली हम सोशल एक्सपेरिमेंट कर रहे थे आपके ऊपर। एक्सपेरिमेंट क्या होता है जी? मतलब कि हम देखना चाहते थे कि अगर ऐसी कोई लड़की निकलती है, किसी के कपड़े फटे होते हैं, तो किसी का क्या रिएक्शन होता है। और आप अपने काम छोड़ के आपने मेरे को टाइम दिया। और कमाल है, आप मेरी बेटी जैसी हो नहीं, मैं ऐसे जाने दूंगा आपको? हाँ, ये चीज हमें आपकी सोच में अच्छी लगी। आपका पहले का इंटेंशन अच्छा नहीं था, बट ये आपने जब बाद में करा। नहीं, मैं अपनी बात कहना चाहता था। हाँ, ये हमारे साथ ही है। इस बच्ची को देखा कि मतलब इस बच्ची के कपड़े फटे और अपना कुर्ता तक उतार के दे दिया किसी काम में व्यस्त होने के बावजूद भी। तो इस तरह का एक एक्सपेरिमेंट हम कर रहे थे कि अगर किसी बच्चे के साथ ऐसा होता है तो पब्लिक क्या रिएक्शन देती है। जो आपने रिएक्शन दिया, जो प्रतिक्रिया आपने दिखाई, वाकई काबिल तारीफ है। अरे मेरा फर्ज है जी, ये तो कोई बात ही नहीं है, ये मेरी बेटी जैसी है वो। अच्छा, हम एक मेरे को माफ करना, मैंने हाथ लगा दिया। नहीं नहीं नहीं, जैसे आप ना, जैसे वीडियो आती है इंटरनेट पे ना जी, इंटरनेट पे से वीडियो आते हैं ना, तो उन पे इस तरह के मैसेज देने के लिए ना, ऐसे संदेश देने के लिए वीडियो बनाते हैं। अच्छा, तो अगर कहो तो ये वाली वीडियो हमने आपकी बनाई है, देखो उधर देखो गाड़ी के पीछे दो कैमरामैन जो है, कैमरा लेखन ना, ये वीडियो बनाई है, तो इस वीडियो को उस पे डाल दे नेट पे। हाँ जी, डाल दो जी, डाल दो, दिक्कत नहीं, बस सब तो भला होना चाहिए जी। हाँ जी, ठीक है, कुर्ता दे दो। आप कुर्ता रख लीजिए, ऊपर के कपड़े तो फटे नहीं, टीम है हमारी, वहाँ कपड़े वगैरह इनके पूरे हैं। ठीक है जी। अच्छा,